केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजना। देश दुनिया और झारखंड राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। 16 मार्च को पंजाब के सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। 13 मार्च को केजरीवाल के साथ करेंगे रोड शो। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बंपर जीत हासिल की है। इसी के साथ भगवंत मान का पंजाब के नए सीएम बनने का रास्ता साफ हो गया है। वह 16 मार्च को नवांशहर जिले के खटकरकला में सीएम पद की शपथ लेंगे। बीजेपी की जीत और 1.19 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट। 2022 विधानसभा चुनाव के 177 दिन पहले भाजपा ने धड़ल्ले से 1,18,945 करोड़ के 8 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए। चुनाव की घोषणा से सिर्फ 25 दिन पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और 31 दिन पहले गोरखपुर के एम्स और फर्टिलाइजर फैक्ट्री का इनॉग्रेशन हुआ। उससे पहले पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कोशिश की गई। झारखंड में तीसरे मोर्चे का गठन। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की अगुवाई में 5 विधायक आए साथ। तीसरे मोर्चे का नाम झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा रखा गया। इसमें आजसू के 2, एनसीपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायक शामिल है। मोर्चे के विधायक दल के नेता सुदेश महतो को बनाया गया है, वही सचेतक निर्दलीय विधायक अमित यादव को बनाया गया है। इसकी घोषणा निर्दलीय विधायक सरयू राय ने की। झारखंड के केंद्र की स्वामित्व योजना पर लगा ब्रेक। सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में दी होल्ड करने की जानकारी। विधानसभा के केंद्र सरकार के द्वारा संचालित स्वामित्व योजना का मुद्दा माले विधायक विनोद सिंह ने सदन में उठाया। विनोद सिंह ने कहा कि खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। पेशा अनुसूचित क्षेत्र में बगैर ग्राम सभा की जानकारी के ड्रोन से सर्वे को लेकर ग्रामीण में असंतोष है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान मंत्री जोबा मांझी ने की घोषणा। महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि नीरा यादव ने महिलाओं के सम्मान की बात की है। महिलाओं से संबंधित बातें बजट में लाई गई, मगर एक महिला विधायक ने ही कटौती प्रस्ताव लाया, इसके लिए उन्हें धन्यवाद करती हूँ। साहिबगंज, उपायुक्त रामनिवास यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में फाइलेरिया उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे हैं। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय एवं दिव्यांग जनों को निर्गत किए जा रहे UDID कार्ड से संबंधित आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया। देवघर, पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां अभी से करें सुनिश्चित। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव से जुड़े विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि पंचायत चुनाव से जुड़े कार्यों को तय समय के अनुरूप पूर्ण कर ले। 2,458 मतदान केंद्रों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अवगत कराएं। संवेदनशील अति संवेदनशील बूथों के अलावा रूट चार्ट, गश्ती दल, कर्मचारियों, दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की रिपोर्ट बनाएं। दुमका, खतियान और भाषा आंदोलन को लेकर जागरूकता अभियान। फूलो झानो मुर्मो 1932 खतियान संगठन के बैनर तले खतियान एवं भाषा आंदोलन को लेकर गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। मिट्टी, भाषा और पैसा कानून एवं 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। संताली को प्रथम राज्य भाषा घोषित करने, बाहरी भाषाओं को क्षेत्र भाषा घोषित करना बंद करने, SPT-CNT एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग की जा रही है। गोड्डा, जन समस्या को लेकर 5वां दिन धरना प्रदर्शन रहा जारी। मेहरमा प्रखंड के लकड़मारा पंचायत मुख्यालय समीप सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु शेखर झा जन समस्याओं एवं मूलभूत सुविधा को लेकर आज 5वें दिन धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे, जिसमें पंचायत के ग्रामीणों के द्वारा राशन कार्ड,
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सरकार की आकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास, किसान ऋण माफी योजना, मनरेगा योजना के तहत कार्य से संबंधित आदि कई आवेदन दिए गए थे, लेकिन अब तक उन आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पाकुड़, शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का प्रशिक्षण। प्रखंड संसाधन केंद्र गढ़वाड़ी के सभागार में शुक्रवार को निपुण भारत के अंतर्गत दो बैच में 4 दिवसीय गैर आवासीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का तीसरे चरण का प्रशिक्षण कार्यालय का शुभारंभ किया गया। 4 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यालय में प्रखंड के शिक्षक अंचल एवं 2 के 50-50 कुल 100 प्रतिभागी शिक्षक शिक्षिकाओं को दो बैच में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।